हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हफीज़। आप देख रहे हो हिंदी टेक ट्यूट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 6 यूज़फुल सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताता हूं। उसके ज़रिए आप बहुत सारे काम कर सकते हो। उसमें जो पहला सॉफ्टवेयर है डीप फ्रीज, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, देखिए, ये आपके सिस्टम को लॉक कर देता है। तो लॉक करना कौन सी बड़ी बात है, आप इस तरह सोचते होंगे, पर देखिए ये सॉफ्टवेयर लॉक करने के साथ साथ आपको, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली देखिए, मेरे पास एक गेमिंग सेंटर था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे आकर गेम्स खेलते थे कंप्यूटर्स पर, ठीक है। तो उसमें YCT के कुछ फाइल्स डिलीट कर देते थे, IGA गेम, इस तरह बहुत सारे गेम्स होते थे। तो बच्चों को खेलना नहीं आकर उस फोल्डर को डबल क्लिक करते टाइम या कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ करके फोल्डर को मूव कर देते थे, डिलीट कर देते थे, और कुछ बच्चे पेनड्राइव लगाकर उसको लगाकर वायरस चढ़ा देते थे, ठीक है। तो मेरा वो जो कंप्यूटर का OS होता था ना, वो ईजिली करप्ट हो जाता था, मुझको हर दिन फॉर्मेट करना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, ये डीप फ्रीज सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके जिस भी ड्राइव को मैंने लॉक करना चाहता था, उस ड्राइव को लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद देखिए ये क्या करता है, अगर कोई बंदा ये सॉफ्टवेयर डाल के लॉक करने के बाद कोई बंदा आकर कोई सॉफ्टवेयर उसमें कॉपी करता है ना, तो मैं इसको रिस्टार्ट करते ही वो सॉफ्टवेयर उसमें से गायब हो जाएगा, यानी वो सॉफ्टवेयर कॉपी नहीं होगा। वो जब तक वो कंप्यूटर ऑन है तब तक तो कॉपी होकर दिखाई देगा, पर मैं रिस्टार्ट करता हूँ ना, तुरंत उसमें से गायब हो जाएगा। इसी तरह देखिए, अगर वो बंदा कोई उसमें से सॉफ्टवेयर को डिलीट करने की कोशिश करता है ना, तो डिलीट नहीं होगा, तब तक तो डिलीट हो जाएगा, पर रिस्टार्ट करते ही वो दोबारा से वापस आ जाएगा। तो इस तरह आपका वो सेफ हो जाएगा। और देखिए, अगर आप घर में आपके पास बहुत बार करंट पावर कट हो जाता है, पावर कट रहता है, तो देखिए आप क्या कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर को डालते हो तो आपका OS है ना वो करप्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए कंप्यूटर चलते चलते अगर डायरेक्ट ऑफ हो जाता है तो OS करप्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें के बहुत सारे फाइल्स मिस हो जाकर कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डालते हो तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह देखिए और एक अच्छा सॉफ्टवेयर है नॉर्टन गोस्ट। तो ये क्या करता है, देखिए आपके सारे कंप्यूटर को बैकअप ले लेता है। जैसे देखिए आप कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर OS नया OS इंस्टॉल करते ही क्या करते हो, आप उस पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर डालते हो, जैसे मदरबोर्ड ड्राइवर्स और फोटोशॉप, पेज मेकर या कोरल ड्रा या जो कुछ भी आपको नेसेसरी सॉफ्टवेयर है ना, वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हो। और उसमें कोई वायरस आ जाता है तो देखिए वो पूरे करप्ट हो जाता है, दोबारा से फिर को सब डालना पड़ेगा आपको। तो आपको देखिए बहुत काम वाली चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद वो सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ना इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, उन सबका एक बार बैकअप ले सकते हो, ठीक है। यानी आपका OS के साथ साथ सबका बैकअप ले सकते हो। बैकअप लेके उसको CD पे राइट करके रख लीजिए। बाद में देखिए आपको कभी भी आपका सिस्टम स्लो लगता है या कुछ फाइल मिस हुई है जैसा लगता है, तो वो CD को आपके CD ड्राइव पर डालकर बूट कर दीजिए और एक बार इंस्टॉल कर दीजिए। दोबारा से एक 5 या 10 मिनट में वो सारे सॉफ्टवेयर दोबारा से वापस आ जाएंगे और आपका सिस्टम जैसे फॉर्मेट किया था ना वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। इस तरह देखिए स्क्राइब सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे लोग मुझको पूछते हैं कि हम लोग इस तरह हाथ से बनाए हुए ड्राइंग जैसे वीडियोस कैसे बनाए, तो उसके लिए देखिए सॉफ्टवेयर का नाम है वीडियो स्क्राइब, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस तरह आप हाथ से जो पेंसिल लिख रहा है ना उस तरह का इफेक्ट दे सकते हो। तो बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, आपको ख़रीदना पड़ेगा, फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, इसी तरह और एक अच्छा सॉफ्टवेयर है वायरलेस नेटवर्क वॉचर। तो ये क्या करता है, देखिए आपका वाईफाई कोई कौन कौन इस्तेमाल करता है आप जानना चाहते हो आपके कंप्यूटर पे, तो देखिए उसके लिए आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो तो आपके नेटवर्क के साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ है, कौन कौन आपके इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। उसी तरह और एक अच्छा सॉफ्टवेयर है सैंडबॉक्सी। तो ये मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है। तो देखिए मैंने आपको इतने सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है ना, तो आप इसको डालकर ट्राई तो करते हो ना, ट्राई करने पर आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो अगर आप इस सैंडबॉक्सी को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इस सब को ट्राई करते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये कुछ अलग सेपरेट उस प्रोग्राम को ट्रीट करेगा, सेपरेटली उसको इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो आप देखिए आपके इस सॉफ्टवेयर पे कुछ गड़बड़ हो तो उसको अनइंस्टॉल कर देते हो तो उसमें से वो सिर्फ अनइंस्टॉल हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। आप इसके बारे में देखिए यहाँ एक वीडियो भी है, इस वीडियो को भी चला कर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर, एक बार ट्राई करके देखिए, आपकी राय नीचे कमेंट में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।